ये भी पता था कि कोविड चल रहा है और बहुत लोग चीटिंग कर रहे, तो फिर मैंने इतना माइंड नहीं किया। कि छोड़ देना चाहिए ऑपरेशन, तो तभी मैं लिटरली एक दो दिन तक पढ़ता नहीं था। नहीं पढ़ाई हो रही है अभी हो उतनी रही, जितनी जेई में हो रही थी? मैंने इतना हार्ड वर्क नहीं किया, मतलब किया बट मेरे कोचिंग नहीं थे, मैंने सिर्फ लास्ट में टेस्ट सीरीज ही लगाई थी। मेरा नाम भार्गव गेंजी है, मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच में हूँ और मेरा स्टेट रैंक 83 था। माझं नाव प्रज्वल भोसले, मी पण कम्प्युटर ब्रांच मध्येच आहे, माझा रँक 238 होते। मी ऋतुजा दाऊदपुरे आणि मी पण कम्प्युटर सायन्स ब्रांचच आहे आणि माझा रँक 117 होता। मेरा नाम वेदांत है, रैंक 317, ब्रांच ENTC। और तुम लोगों ने MST CET और JEE दोनों की प्रिपरेशन की थी या सिर्फ CET? मैं एक्चुअली JEE के लिए प्रिपेयर कर रहा था, एंड में मैंने CET के लिए स्विच मतलब थोड़ा स्टार्ट किया प्रिपरेशन। मी पण फुल JEE वरच फोकस केलेला, आणि सेकंड अटेम्प्ट आणि CET मध्ये फक्त एक आठवड्याचा गॅप होता, तेव्हा फक्त CET च्या मॉक टेस्ट दिले। मी CET साठीच प्रिपेयर केलेलं, मला JEE नव्हतं त्यांचं। JEE के लिए प्रिपेयर किया था मैंने स्टार्टिंग में, पर फर्स्ट अटेम्प्ट होने के बाद फिर मैंने CET का प्रिपरेशन शुरू किया। ओके, तो लास्ट 2 महीने में तुम लोगों का डेली शेड्यूल क्या था एकदम शॉर्ट में, और कितने घंटे पढ़ाई की? मैं बेसिकली उठ के बस कॉफ़ी पी के मैं पढ़ने लग जाता था, पूरे खाना खाना ब्रेक रहता था, बीच बीच में वॉक फॉर आवर आउटसाइड, बस उसके अलावा सिर्फ स्टडी करता था। मैंने इतना हार्ड वर्क नहीं किया, मतलब किया बट एग्जाम मतलब 4-5 घंटे डेली होते थे, उसमें से लास्ट 2 मंथ्स में 3 आवर्स का तो मैं डेली मॉक टेस्ट देता था, और फिर बाकी टाइम एनालिसिस, और फिर उस टेस्ट में जो नहीं आया वो फिर थियरी का पार्ट करता था उसमें। और मैं लास्ट में सिर्फ मॉक टेस्ट पर फोकस किया, और उसमें जो कुछ भी मुझे नहीं आया तो उस पार्ट पर ज़्यादा फोकस किया, और मैथ्स टू मैथ्स मेरे 6 घंटे होते थे लास्ट डे। हाँ, शेड्यूल में मैं सुबह पहले उठ के पढ़ाई शुरू करता था, मतलब सिर्फ ब्रश करता था और बाकी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करता था, एंड देन बाद में 2-3 घंटे पढ़ने के बाद फिर नाश्ता नहाना बाकी सब बाद में। और बहुत लोग ऐसे बोलते कि मेरा 6-7 घंटे पढ़ के हो जाता है, तो मतलब उनका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता है या फिर उनकी मेमोरी अच्छी होती है, आई डोंट नो, पर मेरे को मैं रोज़ 10-11 घंटे पढ़ता था। बट इफ़ योर मेमोरी इज़ नॉट गुड और कॉन्सेंट्रेशन वॉट एवर, सो स्टिल हार्डवर्क से तुम आ सकते हो COET में। कमिंग बैक टू मॉक टेस्ट, एग्जाम के एंड तक कितने मॉक टेस्ट दिए तुम लोगों ने रफ नंबर? CET की बात करें तो मुझे लगता है कम से कम 7 मॉक टेस्ट देने चाहिए। मैंने 3 दिए ब्रो। JEE के लिए मैंने बहुत दिए, अराउंड 30 दिए होंगे, और CET के लिए 780 दिए क्योंकि 1 वीक का ही टाइम था तो उतने दे पाया। मैंने CET के लिए 20 to 25 मॉक टेस्ट दिए CET के। मॉक टेस्ट मतलब मैंने मेनली प्रीवियस ईयर पेपर्स ही दिए थे, और उसमें मैंने मतलब CET के ऑलमोस्ट 2007 से अब तक के सब प्रीवियस ईयर पेपर्स किए थे। तुम लोगों ने कोचिंग लगाई थी क्या CET से ही व्हाटएवर? हाँ, मैं एलन कोचिंग में था। और कोचिंग ने कितना हेल्प किया तुझे? कोचिंग ने बहुत हेल्प किया क्योंकि जो टीचर्स होते वहाँ के बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, वो भी IITians वगैरह होते हैं, सो उनके टिप्स बहुत अच्छे होते। मेरे कोचिंग नहीं थे, मैंने सिर्फ लास्ट में टेस्ट सीरीज ही लगाई थी। तो सब्जेक्ट वाइज आपकी क्या टिप्स रहेगी फॉर अपकमिंग एस्पिरेंट्स? फिजिक्स में मुझे लगता है कि फॉर्मूला को मैनिपुलेट करना ये बहुत ज़रूरी है, या क्योंकि CET में बहुत सवाल ऐसा आते हैं कि बस 2-3 फॉर्मूले को मैनिपुलेट करके उससे कुछ आंसर्स आने चाहिए। क्या केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री के लिए मुझे लगता है HSC टेक्स्ट बुक जो है पूरा याद होना चाहिए, लाइन बाय लाइन पूरा फैक्ट सब याद होना चाहिए। मैथ्स में अगर देखे तो अगर JEE का पढ़ाई मैथ्स का अच्छा किया होगा तो CET तो एकदम इजी आएगा, और फिजिक्स में तो कुछ ज़्यादा है नहीं क्योंकि फिजिक्स का आजकल मोस्टली फार्मूला बेस्ड इक्वेशन आता है, तो जैसे भार्गव ने बोला तो फार्मूलाज को मैनिपुलेट करने आना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैथ्स के शॉर्टकट से याद होने चाहिए ताकि हमारे आंसर जो है मतलब उसमें टाइम नहीं जाए और वो जल्दी आ जाए। और केमिस्ट्री का जो है तो केमिस्ट्री के रिएक्शन, नेम रिएक्शन तो पूरे याद ही होने चाहिए।
और उनके प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और सबस्ट्रेट और उनके कंडीशंस भी याद होने चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे है जो सिर्फ रिएजेंट के वजह से चेंज हो रहे हैं, तो हमें वो याद होनी चाहिए। केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक के लिए माइंड मैप बनाओ, दैट विल बी द बेस्ट थिंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे रिलेटेबल होती है। फिर मैथ्स के लिए ओनली प्रैक्टिस, और फिजिक्स स्टार्टिंग में डिफिकल्ट जाता है, बट विद टाइम यू विल गेट यूज्ड टू इट, जब कंसेप्ट समझ में आने लगेंगे। हाँ, तो ड्यूरिंग योर जर्नी कभी डीमोटिवेटेड लगा, और अगर लगा तो खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा? तो मैं क्या करता था, बहुत बार ऐसा लगा है कि छोड़ देना चाहिए प्रिपरेशन, तो तभी मैं लिटरली एक दो दिन तक पढ़ता नहीं था। आई वॉज वेरी क्लियर माइंड नहीं होगा, बट उसमें फिर माइंड रिफ्रेश हो जाता है, फिर पढ़ने में लग सकता है। मुझे तो ऐसा मतलब कभी कभी लगता था, क्योंकि क्लास के जो टेस्ट हुए थे उसमें मेरे मार्क्स कंपेरेटिवली कम थे, बट मुझे ये भी पता था कि कोविड चल रहा है, बहुत लोग चीटिंग कर रहे, तो फिर मैंने इतना माइंड नहीं किया। मुझे पता था सच एग्जाम में समझ ही जाएगा। जब तुम पूरा दिन बस सब पढ़ते हो या कुछ प्रोडक्टिव काम आते हो, यू रीड मोटिवेशनल बुक्स या एक्सरसाइज, मतलब कुछ भी कर सकते हो, इवन इफ अगर आपकी कुछ हॉबी है लाइक ड्राइंग या फिर गिटार बजाना, पर अगर तुम सब बेकार की जैसे कि वेब सीरीज देखना या फिर गेम खेलने में टाइम वेस्ट नहीं करते हो, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें एग्जॉस्टेड लगता है, पर ऐसा भी लगता है मतलब कि मैं कुछ कर रहा हूँ, सच में मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, मतलब अगर मेरा कुछ हुआ भी नहीं, स्टिल भी आई ट्राइड माई बेस्ट, सो दैट कीप केप्ट मी मोटिवेटेड। तुम लोग 10th और 12th में मार्क्स क्या थे परसेंटेज? मेरा 10th में 96% था, 12th में 87% था। सेम 10th में 96.4 था, 12th में 87.2। 99 था, 12th में 96। व्हाट इज इट? सेम है। अरे अपन बदल, 10th में 96.4 और 12th में 88% था। 10th से 10th और 12th में कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है, 10th कुछ भी नहीं होता, बस सब बड़ा चढ़ा के बता दे कि 10 डिफिकल्ट है, 12th सच में एफर्ट्स डालने पड़ते हैं तभी कुछ होता है। और वो मार्क्स कुछ मैटर करते क्या 10th और 12th के आगे? 10th और 12th के मार्क्स से ज़्यादा मैटर नहीं करते, बट वो नॉलेज होता है जो बेस बिल्ड होता है ना, वो इवन इंजीनियरिंग भी अभी हमें 12th के कंसेप्ट लग रहा है मैट्रिसेस वगैरह, तो वो जिनको नहीं आते उनको इंजीनियरिंग में भी कम मार्क्स आ रहे हैं। एग्जाम डे पे क्या क्या किया था तुम लोगों ने, क्या स्ट्रैटेजी थी सुबह से शाम तक पेपर तक? जब जो एग्जाम डे था तभी मैंने सिर्फ थोड़े फॉर्मूला देखे थे, उसके अलावा पढ़ाई तो किया नहीं, मैं तो एग्जाम डे पे सिर्फ केमिस्ट्री कर रहा था, क्योंकि मुझे वो याद ही नहीं रहता था केमिस्ट्री, स्पेशली ऑर्गेनिक वाला, तो मैं एग्जाम के दिन सिर्फ ऑर्गेनिक करता था, बाकी मैथ्स और फिजिक्स तो मुझे मतलब आता था, ऐसा केमिस्ट्री का प्रॉब्लम था। मैंने एग्जाम डे पे सिर्फ शॉर्ट वर्ड्स देखे थे, मैथ्स के नेम रिएक्शन देखे थे और फिजिक्स के फॉर्मूला। एग्जाम डे पे चिल रहो, ऐसे दोस्तों के साथ बात करो, और थोड़ा बहुत बस जो फॉर्मूला डिफिकल्ट लगते हैं या इंपॉर्टेंट लगते हैं वो रिवाइज करो। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट गॉट यू दिस रैंक क्या लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मुझे घर पे बोला गया था कि अगर तुझे IIT नहीं मिला तो तुझे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच नहीं लेने देंगे, तुझे कंप्यूटर करना पड़ेगा, और मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स लेना था इसलिए मैं पढ़ रहा था। मुझे लगता है कंसिस्टेंसी लगता है परसिस्टेंस, क्योंकि आपको छोड़ना नहीं चाहिए लास्ट तक, अगर आपका मॉक टेस्ट में भी कम मार्क आ रहे हैं तो भी लास्ट तक ट्राई करते रहना चाहिए, वही रेगुलर प्रैक्टिस वो तो चाहिए। वर्थ इट? हाँ वर्थ इट है, यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स है, फेस्ट पे फेस्ट चलते रहते हैं। कल का मेरा दिन का रूटीन था, मैंने सुबह बोटिंग किया बोट क्लब में, उसके बाद फिर मैं पुणे स्टार्टअप फेस्ट में घूम रहा था, और रात को मैं सैटेलाइट क्लब में काम कर रहा था। सो बेसिकली मतलब क्लब्स में ज़्यादा रहता है और पढ़ाई कम होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत है। पढ़ाई हो रही है अभी? नहीं हो रही जितनी जेम में हो रही थी, नहीं बिल्कुल नहीं हो रही, सिर्फ क्लब्स वगैरह में टाइम जाता है। मुझे भी लगता है इट्स वर्थ इट, बिकॉज यहाँ पे फेस्ट और इवेंट्स इतने होते रहते हैं कि
पढ़ाई करके थक नहीं जाते आप और वैसे बोर नहीं होता है कभी, और पढ़ाई भी करते ही है क्योंकि यहाँ पे एटमोसफेयर ही ऐसा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो कोप अप करने के लिए पढ़ाई भी करनी ही रहती है, बट स्टिल वैसे बोर नहीं होता और मज़ा आता है। बिकॉज यहाँ पे इतनी कंपटीशन है कि हमारा ब्रेन उस कंपटीशन को ये करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ किसी ना किसी एक्टिविटी में एंगेज रहता है। और प्लस यहाँ पे इतने क्लब्स है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को भी बूस्ट मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ है, तो हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पे हो सकती है। तो सीओपीसीएस का कट ऑफ क्या है? इसका जवाब तो पता है। सीओपीसीएस का कट ऑफ था 99.77। मेरे बाजू वाले बंदे को ही मिला था स्पॉट राउंड में, तो मेरा एक रैंक से रह गया था। कैसा लग रहा है वो? एक्चुअली मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे को ENDC लेना था, पर मम्मी पापा बोल रहे थे कि CS ले।